और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में हलचल है। बड़ी खबर यह है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन लगभग टूट गया है और इसका सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यह बड़ी अपडेट। लोकसभा चुनाव में सीट को लेकर दोनों दलों में बात नहीं बन पाई और अब जेजेपी गठबंधन से बाहर हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। बीती रात भी नेताओं से मिले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यह बड़ी खबर हरियाणा से। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले यह बड़ी राजनीतिक हलचल हरियाणा में इस वक्त, और इसके बारे में तमाम अपडेट्स एबीपी न्यूज आपको लगातार दे रहा है। हरियाणा निवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री खट्टर, यह ताजा अपडेट जान लीजिए आप। हरियाणा निवास पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री खट्टर। कल भी वो तमाम नेताओं से मिले थे, आज उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है बीजेपी की। फिलहाल हरियाणा निवास पहुंचे हैं सीएम खट्टर। तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट सकता है। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है इस वक्त। और ज्यादा जानकारियों के लिए आपको असीम बस्सी के पास लेके चलते हैं, और साथ में हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन असीम बस्सी के पास पहले चलते हैं और चंडीगढ़ की जो ताजा अपडेट्स हैं, जो हलचल है, वो उनसे जानते और समझते हैं। असीम जी, हम इस वक्त हरियाणा निवास के बाहर खड़े हैं जो चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में है, और यहाँ पर लगभग चीफ मिनिस्टर भी आ गए हैं और कई MLAs आ गए हैं, और 11:30 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। सो जो भी अभी जानकारी यही सामने आ रही है, क्योंकि गठबंधन टूटना जेजेपी के साथ लगभग तय है, ऑलमोस्ट फाइनल है कि टूट जाएगा, और ये हो सकता है यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इस्तीफा दे दें, और वो जो जब चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं तो वो कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है, और उसके बाद वो राजभवन जा सकते हैं और राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देकर, और जब गवर्नर हरियाणा उनको बोलेंगे मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनके पास 41 अपने विधायक हैं और 7 इंडिपेंडेंट्स हैं, तो वो खतरा नहीं रहेगा, सपोर्ट ले लिया है इन्होंने, तो दोबारा जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए आगे जाएंगे। अब चेहरा कौन होता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हलचल बहुत तेज़ है। आप देख सकते हैं लगातार जो है जो मिनिस्टर्स हैं वो आना शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 11:30 बजे मीटिंग है, ऑब्जर्वर्स भी दिल्ली से आ रहे हैं। सो एक बात लगभग तय है कि हाँ, खट्टर जो है वो इस्तीफा देंगे एक बार, और उसके बाद जो मेजॉरिटी प्रूफ होगी, दोबारा कैबिनेट बनेगी, वो सारी चीज़ें होंगी, और जेजेपी के और के साथ गठबंधन टूटने के बाद भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट जो है एज इट इज़ बीजेपी की रहेगी, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंस जो है वो रॉक सॉलिड खड़े हैं इंडिपेंडेंस यहाँ पर। और यहाँ पर मूवमेंट लगातार है सुबह से ही हमने देखा, क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आई कि जेजेपी जो है वो मूव आउट कर सकती है अलायंस से, क्योंकि 2 सीट्स जो हैं वो जेजेपी 2 सीट्स मांग रही थी, हिसार मांग रही थी, भिवानी मांग रही थी, लेकिन बीजेपी ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम अपनी सीट्स नहीं देंगे। लोकसभा 10 की 10 सीटें पिछली बार बीजेपी जीते थी हरियाणा में, और इस बार भी 10 पे कंटेस्ट करेगी, तो वो एक मेजर पॉइंट आया, जो एक मेजर पॉइंट आया जिसके कारण ये टर्न अराउंड हुआ है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। जी ठीक है, आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं तस्वीरें के लगातार मिनिस्टर्स और MLAs पहुंच रहे हैं वहां पर, जहां पर 11:30 बजे सुबह मीटिंग होनी है। नीरज जी, आपके पास कोई अपडेट है, आप बताना चाहते हैं कुछ? नीरज जी, राजेंद्र, मैं असीम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। असीम, मुझे एक चीज बताइए आप कि क्या वहां पे नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया दोनों पहुंच चुके हैं? देखो, कुछ लोग पहुंचे हैं डेफिनेटली, वो लोग भी आए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बता दूँ 11:30 मीटिंग थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर खट्टर जो है वो 10:30 ही आ गए थे, लेकिन अभी कुछ लोग आने बाकी हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई, मीटिंग पूरे 11:30 शुरू होगी, कुछ वक्त है, लेकिन अभी ये लोग नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर। कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पर आए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर 10:30 यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन ये बात पक्की है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को एक बार इस्तीफा देना होगा, उसके बाद खट्टर ही रहेंगे या नायब सिंह सैनी जैसे आप बता रहे हैं वो बनेंगे, वो राजभवन जाके बाद 11:30 बजे मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद मेरे शब्द ना डालो आप मुंह के अंदर, ना इसको मीनिंग निकालो, मीटिंग होएगी, मीटिंग के बाद पता लगेगा। विधायक जी, आप बैग लेके आए, बात आपको आपसे पूछना चाह रहे हैं, यही रहते हैं, ये जो पूरा इस्तीफा आए हैं या कहीं और निकल रहे हैं? नहीं तो मैं तो चंडीगढ़ आया हूँ ना, अभी चंडीगढ़ से आया हूँ, तो इसलिए आया हूँ यहाँ। सिंगला साहब, कल गुड़गांव में अलग से बात हुई थी क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, और उन्होंने तारीफ भी करी थी। बड़ी खबर इस वक्त, हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं
इस मामले से जुड़े तमाम ताजा अपडेट्स और जानकारियां उनके पास भी हैं, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। क्या आपके पास ताजा जानकारी है रोहित? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ी सियासी उथल पुथल होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की अभी बैठक जिस तरह से चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर अभी होने वाली है, उस बैठक से पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो सकते हैं। और इसके अलावा इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जेजेपी में भी टूट हो सकती है। जेजेपी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही यानी आज का दिन हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा की सियासत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है और अगले 5-6 घंटे के भीतर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर यही है कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी जगह नायब सिंह सैनी जो कि सांसद है अभी कुरुक्षेत्र से, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नायब सिंह सैनी को माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस सरकार में मंत्री थे नायब सिंह सैनी, और मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हुआ करते थे उस जमाने से वो नायब सिंह सैनी उनके बेहद करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में किसान आंदोलन और इसके इतर भी जी, हरियाणा में एक बड़ी नाराजगी लगातार पिछले अगर एक साल से बात करें, ये खबरें रह कर आती थी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है, लेकिन अभी जो ताजा हालात बन रहे थे, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव होते हैं राजेंद्र, और इस लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनको यह लगता था कि बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में, क्योंकि हरियाणा में देखिए अगर जाटों की बात करें, ये कहा गया कि किसान आंदोलन के बाद जाट नाराज है सरकार से, तो ये तमाम बातें थी और इन तमाम जो घटनाक्रम हुए इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं, उनकी जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के अगले। और एक और बड़ी खबर ये कि जेजेपी में भी टूट हो सकती है, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है राजेंद्र जी। रोहित, आप दो बड़ी खबरें तो बता ही रहे हैं इस वक्त, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं 5-6 घंटे में पूरी तस्वीर बदल जाएगी, 11:30 बजे जो मीटिंग होनी है क्या ये सब कुछ उसी में तय हो जाना है और विधायकों को बता दिया जाना है, एक बात। दूसरी बात, जेजेपी के कितने विधायक टूट सकते हैं? देखिए राजेंद्र, दो बातें, तय हो चुका है, अब सिर्फ मैसेज कन्वे होने की बारी है, ये इसमें कोई शक और शुभा नहीं, अब एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करना और वही हो रहा है इस वक्त चंडीगढ़ में बैठकर। और दूसरी बात आप कह रहे हैं जेजेपी, देखिए जेजेपी में बड़ी फूट होने वाली है, बड़ी टूट होने वाली है राजेंद्र, मैं आपको बता दूं अब ये आंकड़ा कितने विधायकों का होगा मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि कुछ देर में ये भी तस्वीर एबीपी न्यूज साफ कर देगा, लेकिन ये तय मानिए कि जेजेपी में बड़ी टूट होने वाली है। और अब देखिए निर्दलीय विधायकों से एक एक कर मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, निर्दलीय विधायकों से किस लिए मिले, उनसे मिलकर बात हुई कि क्या वो सरकार के साथ हैं, क्योंकि जेजेपी से गठबंधन टूटना तय है, इसका ऐलान भी कुछ ही देर में हो जाएगा, सूत्र ये भी बता रहे हैं। तो अगर गठबंधन टूटता है, अभी 57 का आंकड़ा एनडीए के पास है हरियाणा में, जिसमें जेजेपी है, जेजेपी के 10 विधायक हैं और इसके अलावा 5 निर्दलीय हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के जो विधायक हैं 41 और एक गोपाल कांडा जो कि हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो नंबर 57 बनता है। हरियाणा में मैजिकल नंबर जो है, जादुई आंकड़ा है, वो 46 का है, यानी 46 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में अगर जेजेपी के 10 विधायक यहां से हटते हैं तो तब भी जो आंकड़ा है वो 47 का बनता है, यानी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एक विधायक ज्यादा बीजेपी के पास वहां पर है, यानी एनडीए के पास है। इसीलिए ये कवायद है कि निर्दलीय विधायकों से एक एक कर मिला गया, उनसे बातचीत की गई, ये तो तय मानिए कि शुरुआत इस क्रम से, इस तरह से होगी कि जेजेपी से गठबंधन टूटेगा और इस गठबंधन टूटने की स्थिति में भी राजेंद्र कई विधायक जेजेपी के पाला बदल सकते हैं। इतनी बड़ी भूमिका रही हो जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है उसमें
यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारा प्रयास है कि आश्रम की सभी पुरानी इमारतों को उनकी मूल स्थिति में संरक्षित किया जाए। जिन मकानों को नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी, मेरी तो कोशिश ऐसी कि जरूरत पड़े ही नहीं, जो कुछ भी होगा इसी में करना है मुझे। देश को लगना चाहिए, ये पारंपरिक निर्माण की शैली को बनाए रखना है। आने वाले समय में ये पुनर्निर्माण देश और विदेश के लोगों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा। साथियों, आजादी के बाद जो सरकारें रही उनमें देश की ऐसी विरासत को बचाने की ना सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। एक तो विदेशी दृष्टि से भारत को देखने की आदत थी और दूसरी तुष्टीकरण की मजबूरी थी, जिसकी वजह से भारत की विरासत, हमारी महान धरोहर ऐसे ही तबाह होती गई। अतिक्रमण, अस्वच्छता, अव्यवस्था, इन सभी ने हमारी विरासतों को घेर लिया था। मैं काशी का सांसद हूं, मैं काशी का आपको उदाहरण देता हूं। वहां 10 साल पहले क्या स्थिति थी पूरा देश जानता है, लेकिन जब सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तो लोगों ने भी सहयोग किया और काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए 12 एकड़ जमीन निकल गई। आज उसी जमीन पर म्यूजियम, फूड कोर्ट, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, मंदिर चौक, एम्पोरियम, यात्री सुविधा केंद्र, अनेक प्रकार की सुविधाएं विकसित हो गई है इस पुनर्निर्माण के बाद। और आप देखिए, 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। इसी तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विस्तारीकरण के लिए हमने 200 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। इस जमीन पर भी पहले बहुत सघन कंस्ट्रक्शन था, आज वहां राम पद, भक्ति पद, जन्मभूमि पद और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। अयोध्या में भी पिछले 50 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने द्वारिका जी में भी विकास के अनेक कार्यों का लोकार्पण किया। वैसे साथियों, देश को अपनी विरासत को सहेजने का मार्ग एक तरह से यहां गुजरात की धरती ने दिखाया था। याद कीजिए, सरदार साहब के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है। ये अहमदाबाद शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रानी की वाव, चापानेर और धोलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज में गिने जाते हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। गिरनार का विकास हो, पावागढ़, मोढ़ेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों में
अपनी विरासत को समृद्ध करने वाले काम किए गए हैं। साथियों, हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा से जुड़े अपने स्थानों के लिए भी विकास का अभियान चलाया है। हमने दिल्ली में, आपने देखा होगा, एक राजपथ हुआ करता था, हमने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जुड़े स्थानों का विकास किया, उन्हें सही पहचान भी दी। हमने बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों का भी पंचतीर्थ के रूप में विकास किया। यहां एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज लाखों लोग सरदार पटेल जी को नमन करने वहां जाते हैं। आप दांडी देखेंगे, वो कितना बदल दिया है, हजारों लोग दांडी जाते हैं आज। अब साबरमती आश्रम का विकास और विस्तार इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। साथियों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, यहां इस आश्रम में आने वाले लोग यहां आकर ये समझ पाएंगे कि साबरमती के संत ने कैसे चरखे की ताकत से देश के जन मन को आंदोलित कर दिया था। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा की सियासी हलचल पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि नायब सिंह सैनी, जो अभी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी राजनीतिक अपडेट, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। नायब सिंह सैनी अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के, और वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी अपडेट। 11:30 बजे विधायक दल की बैठक है चंडीगढ़ में, हरियाणा निवास पर, और तमाम विधायक और मंत्री उसके लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, कई पहुंच चुके हैं। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव करनाल से लड़ सकते हैं वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर। उसके पहले वो इस्तीफा देंगे। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि नायब सिंह सैनी, जो कि इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। जो संवैधानिक तरीका है इसके लिए, वो आने वाले कुछ घंटों में सामने आएगा कि वो कैसे अपनाया जाता है और कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन विधायक दल की बैठक जो या तो शुरू हो चुकी है या तो होने वाली है, चूंकि 11:30 सुबह के बज चुके हैं, उसमें यह बात विधायकों को बताई जाएगी, जैसा कि इनपुट समय मिल रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी में टूट हो सकती है, यानी जेजेपी जो कि अब तक गठबंधन में है उसमें टूट हो सकती है। हरियाणा निवास से निकले हैं सीएम खट्टर, यह बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा निवास से निकले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बड़ी खबर यह है कि जेजेपी की बैठक में 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं जेजेपी में टूट हो सकती है। देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम ये बैठक में नहीं पहुंचे। जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त हरियाणा में। हरियाणा निवास से निकले हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। जेजेपी की बैठक में 3 विधायक नहीं पहुंचे, उनके नाम आप जान लीजिए। राम निवास नहीं पहुंचे, देवेंद्र बबली नहीं पहुंचे, रामकुमार गौतम नहीं बैठे। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह सावल, उनके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं। जो कुछ भी हलचल इस वक्त हरियाणा में हो रही है, चंडीगढ़ में हो रही है, उससे जुड़ी हुई रोहित सबसे ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं राजेंद्र, की एक और जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो यही कि जो बैठक चंडीगढ़ में हो रही है, और दूसरी तरफ यहां पर जो जेजेपी के विधायक थे उनको बुला लिया गया, दिल्ली बुला लिया गया, लेकिन जेजेपी में जो बड़ी टूट है उस टूट में हमें 3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। रामकुमार जो कि विधायक हैं,
कैप्टन अभिमन्यु को जिन्होंने हराया था वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा राम निवास है वो भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं और देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से विधायक है, मंत्री भी हरियाणा सरकार में और हमेशा हरियाणा में मुख्यमंत्री की तारीफ वो करते रहते थे इसलिए सुर्खियों में रहते थे हमेशा। तो ये भी तय माना जा रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, यानी 10 में से 3 विधायकों के तो नाम सामने आ गए और राजेंद्र बता दूं कि अभी 2 से 3 नाम और हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है कि हरियाणा का जो सियासी घटनाक्रम है वो पल पल में बदल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी अभी हरियाणा निवास से निकले हैं, देखिए जो घटनाक्रम है वो क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे, पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी, नई कैबिनेट बनेगी, नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। ऑब्जर्वर चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, अर्जुन मुंडा और तरुण चुग ये दोनों ऑब्जर्वर हैं, ये चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ऑब्जर्वर के सामने विधायकों की बैठक होगी, विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा, हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, ये तय हो चुका है और इसकी स्क्रिप्ट कल रात लिखी जा चुकी है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट। मैं बता दूं आपको राजेंद्र जी, अब सिर्फ ये बातें सामने आ रही हैं, अब बस ये तय होना है कि कितने बजे राज्यपाल के पास जाया जाएगा, कितने बजे शपथ होगी अगले मुख्यमंत्री की। लेकिन 3 बड़ी खबरें इस वक्त हरियाणा से जो एबीपी न्यूज़ राजी, जिस हलचल की आप बात कर रहे हो, जिस स्क्रिप्ट के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं वही अनफोल्ड होती दिख रही है और वो हम देख रहे हैं। अब मेरे साथ असीम बस्सी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा है ये वो हमें बताएंगे, लेकिन रोहित अपनी बात आप पूरी करिए। आप कह रहे थे कि 3 विधायक नहीं पहुंचे, अभी 2-3 और भी ऐसे नाम हो सकते हैं, वो जल्द सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, ये 2 से 3 नाम और ऐसे हो सकते हैं जो सामने आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अभी जेजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ थोड़ी देर में, क्योंकि अभी दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जेजेपी ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट देगी और तब पहली खबर पर मुहर लगेगी। खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, उसके बाद अगली खबर आएगी। राजेंद्र, मैं ये कहना चाह रहा था जी। ठीक है रोहित, एक बात हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि जेजेपी 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बीजेपी 1 देने को तैयार थी और ये कारण था कि यह गठबंधन टूट रहा है, ये बात इतनी ही है या इससे आगे है? राजेंद्र, मैं अपने दर्शकों को बता दूं और पूरे दावे के साथ बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को 1 भी सीट देने को तैयार नहीं थी। जेजेपी तो 1 सीट मांग रही थी कि हमें 1 सीट दे दीजिए, लेकिन बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कह रहा था कि साहब 10 की 10 सीटें हम जीते हैं, कोई हारी हुई सीट नहीं, हम कैसे सीट दे दें सहयोगी दल को, हम सीट नहीं दे सकते। और केंद्रीय नेतृत्व भी इस बात से सहमत था, यह बिल्कुल बात आईने की तरह साफ है। राजेंद्र, मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम था, ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, ये पिछले 3 महीने से लिखी जा रही थी हरियाणा में। राजेंद्र, बस ये था कि इंतजार हो रहा था सही मौके का। ये बताता है रोहित के विश्वास कितना है पार्टी नेतृत्व को और पार्टी को। हरियाणा में किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में भी ये कॉन्फिडेंस है कि वो जेजेपी के सहयोग के बगैर चुनाव में जाना चाह रहे थे। देखिए राजेंद्र, अब अगर इसको अगर हम इस तरफ ले जाएं तो कहानी ये है कि जेजेपी की और बीजेपी अगर साथ रहती तो नुकसान जेजेपी को बहुत ज्यादा था। किसानों की नाराजगी, जेजेपी के पास हरियाणा का बड़ा जाट वोटर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, सीटें जीती हैं, 10 विधायक चुनकर आए, तो अगर वो बीजेपी के साथ रहते तो उनको भी नुकसान होता, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जेपी नड्डा से कल दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं कि जेजेपी को कुछ पता नहीं था आज ये होने वाला है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, ये स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी गई है जी। रोहित, एक सवाल और वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, नायब सिंह सैनी की हम बात कर रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नायब सिंह सैनी ही क्यों, ये सवाल जरूर उठेगा। देखिए बीजेपी ने 2014 में हरियाणा में नॉन जाट पॉलिटिक्स की। रोहित एक सेकंड आपको रोकेंगे, हमें असीम बस्सी के पास चलना होगा, चंडीगढ़ में जो कुछ घट रहा है वही हमें बताएंगे। चंडीगढ़ में क्या हो रहा है इस वक्त असीम? जी मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यहां से यही है कि राजभवन खट्टर पहुंच गए हैं, मनोहर लाल खट्टर जो थे वो राजभवन पहुंच गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर पहुंच गए हैं और यही बात सामने आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उन्होंने रिजाइन कर दिया है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, कैबिनेट ने भी रिजाइन कर दिया है। सो अभी न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए 7 इंडिपेंडेंट जोन के साथ हैं, आई थिंक उससे उनका नंबर बन जाएगा, लेकिन बड़ी खबर यहीं से आ रही है राजभवन से कि उन्होंने रिजिग्नेशन अपना दे दिया है। मीटिंग 11:30 शुरू होनी थी लेकिन लगा एकदम से जो खट्टर वहां से निकले, बाकी कैवलकेड जो उनका था वो यहां से निकला और सीधा वो राजभवन में आया है यहां पर, और यहां पे मनोहर लाल खट्टर ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया है एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ये बड़ी खबर है यहां से। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं,
अब ये बिल्कुल स्पष्ट है, मनोहर लाल कट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। गवर्नर हाउस पहुंच के रोहित बीसी की बात कर रहे थे। रोहित, ये जो स्क्रिप्ट थी जो तय हो गई थी उसका एक हिस्सा और सामने आ गया, अब आगे। बिल्कुल, देखिए मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, पूरी कैबिनेट उनके ने इस्तीफा दे दिया। अब राजभवन के बाहर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अब उनको पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाए या मुख्यमंत्री कहा जाए क्योंकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है, वो बाहर आएंगे, मुमकिन है कि मीडिया से बात करेंगे और उसके बाद जो तमाम पर्यवेक्षक है, दोनों पर्यवेक्षक, वो बैठेंगे, विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा और फिर शपथ ग्रहण कब होगी, आज ही होगी, चंद घंटों बाद होगी, ये तस्वीर साफ होने वाली है राजेंद्र। ठीक है, असीम बस्सी से भी ये बात जानना चाहेंगे, वहां पे अब नेक्स्ट आप क्या होता देख रहे हैं, असीम क्या खबर है आपके पास? देखो मैं आपको बता दूं क्लियरली, क्योंकि अलायंस जो है वो अलायंस तो टूट चुका है, रेजिग्नेशन हो गया चीफ मिनिस्टर का, कैबिनेट का हो चुका है, तो अब बेसिकली नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए होगा तो डेफिनेटली मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी की लीडरशिप है प्लस वो सारी दावा पेश करेंगे गवर्नर के पास कि हाँ हमारे पास मेजोरिटी है, कुल 90 सीटें हैं जो हरियाणा विधानसभा में हैं, 46 मैजिकल फिगर है, 41 बीजेपी के पास अपनी है, 7 इंडिपेंडेंट्स हैं, सो 47-48 इनका बन जाता है, सो क्लियर मेजोरिटी इनके पास आ गई है, सो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अपना दावा पेश करेंगे, जो इंडिपेंडेंट से सपोर्ट दिया है रिटर्न सपोर्ट वो दिखाएंगे और उसके बाद जब ऑब्जर्वर यहां पहुंच जाएंगे तो तय होगा कि सीएलपी लीडर कौन होगा, क्या खट्टर ही होंगे या कोई नया होगा, सो नंबर जो है वो एक वरी गेम नहीं है बीजेपी के लिए, नंबर उनके पास है, सो अब इस्तीफे के बाद न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए गवर्नर के सामने वो अपना मत पेश करेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी जो फोकस है, अभी जो अटेंशन है, वो जो विधायक दल की बैठक हो रही है हरियाणा निवास पे उस पर रहेगी असीम? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हरियाणा के सीएम वहाँ से निकल आए हैं और कैबिनेट जो कुलीग थे वो निकल आए हैं, लेकिन जब से ऑब्जर्वर आएंगे वो आएंगे वहाँ पे, अब इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया लेकिन अगला सीएलपी लीडर कौन होगा वो तय करेगी बीजेपी की लीडरशिप, बैठ के सारे एमएलए आपस में तय करेंगे कि कौन होगा, क्या खट्टर ही रहेंगे या उनके अल्टरनेटिव किसी को सीएम बनाया जाएगा, सीएलपी का लीडर बनाया जाएगा, और क्योंकि और डेफिनेटली अब जब इस्तीफा दिया है तो गवर्नर को बता के आएंगे कि हमारे पास ये देख लीजिए 41 अपने हैं, साथ हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट्स हैं, हमारे पास सपोर्ट है, सो नंबर हमारे पास है, कंफर्टेबल मेजोरिटी हमारे पास है, 46 मैजिकल फिगर है हरियाणा गवर्नमेंट में, सो वो हमारे से वी आर सरपासिंग दैट, 48 इनके पास है, सो अब अगली जो रणनीति है वो वहां होगी कि सीएलपी लीडर कौन होगा। बिल्कुल, और इसी बारे में हम रोहित सिंह सावल से बात करेंगे। नायब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं आप, रोहित लगातार आप बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वो क्यों सीएम बन सकते हैं। देखिए बिल्कुल, नायब सिंह सैनी की बात करें तो मैंने आपको बताऊं कि वो तो सैनी समाज से आते हैं, यानी ओबीसी कार्ड भारतीय जनता पार्टी का, और बीजेपी जब 2014 में हरियाणा में आई थी तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक बात बड़ी कही जाती है, जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स, तो नॉन जाट पॉलिटिक्स का ट्रंप कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर खेला था और अब भी भारतीय जनता पार्टी असीम के पास, रोहित इसलिए रोक रहे हैं, असीम के पास कुछ अपडेट है। असीम आप बताइए क्या वहां पर चल रहा है, असीम अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो। जी जी सर जी, आप ये जो विधायकों की बैठक चल रही है, विधायक दल की बैठक, इससे जुड़ा क्या ताजा अपडेट है आपके पास? दिया वो हरियाणा निवास पे अभी विधायक बैठे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर यहाँ आए हैं, मिनिस्टर यहाँ आए हैं, हमें ये पता लग गया है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि आज ही ओथ सेरेमनी हो सकती है, आज ही 1-1.30 बजे ओथ सेरेमनी राजभवन में हो सकती है, विधायक दल की जो बैठक होगी वहाँ पे सीएलपी का लीडर बनाया जाएगा कि अगला हमारा लीडर कौन होगा, वही जो लीडर चुना जाएगा उसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, वो खट्टर होंगे नायब सैनी होंगे, टाइम विल टेल दैट, लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेशन यही है कि आज ही राजभवन में स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी, जो भी नई कैबिनेट बनेगी या जो नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे इस गवर्नमेंट में ऑफ हरियाणा के, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर अब एक्स चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, दोबारा वो होंगे या कोई और होगा अलग बात है, लेकिन आज ही स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी, ये राजभवन से खबर निकल के बाहर आ रही है। एक और बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप, असीम आप कह रहे हैं कि आज ही नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, अपने दर्शकों को हम अपडेट कर दें, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। असीम बस्सी चंडीगढ़ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इस वक्त राजभवन में है कि आज ही नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब इसके बारे में और जो जानकारी आपको मिल पाई है इस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में या इस कैबिनेट संभावित कैबिनेट के बारे में असीम, वो भी हम आपसे जरूर जानेंगे। लेकिन रोहित सिंह सावल जो कि लगातार अपनी नजर रखे हुए हैं वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है, बहुत सारे स्पेशल इनपुट्स भी हैं उनके पास, तो रोहित सबसे ताजा स्पेशल इनपुट। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जो भी असीम भी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो अभी कुछ ही देर में राजभवन से बाहर आएंगे, इंतजार इसी बात का है कि वो मीडिया से क्या बात करते हैं। मैं देखिए हम बात कर रहे थे नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं
और अभी कुछ दो तीन महीने पहले ही उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, क्योंकि हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बड़ा जाट चेहरा, हरियाणा बीजेपी का सबसे बड़ा जाट चेहरा ओम प्रकाश धनखड़, उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी। और अब बीजेपी को, बीजेपी ये चाहती है हरियाणा में कि उसका जो मुख्यमंत्री हो वो ओबीसी समाज से हो, और ऐसे में नायब सिंह सैनी संगठन का नाम है, संगठन में लंबे अरसे से काम किया है, मनोहर लाल खट्टर के भी करीबी है, मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, प्रदेश अध्यक्ष है, संगठन में लंबे अरसे काम किया, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी सांसद हैं, तो अनुभव के लिहाज से भी देखा जाए वो अनुभव भी बनता है, ओबीसी है, ओबीसी चेहरा है। और देखिए राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, जो सैनी वोटर है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है हरियाणा में, तो ओबीसी वोटर को अपने साथ जोड़ने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जी, ये महत्वपूर्ण आप बात बता रहे हैं। ये जो पूरी जो स्ट्रेटजी है, अब चूंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव तो रोहित सामने है ही, इसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो ये माना जाए कि यही चेहरा बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी लेके जाएगी। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, ये पूरा का पूरा मैं ऑपरेशन इसे कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल ऑपरेशन है, ये किया ही विधानसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि बीजेपी को ये रिपोर्ट लगातार मिल रही थी तमाम सर्वेज में कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए अगर हरियाणा कांग्रेस को आप देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सूरज भान है जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी हुड्डा जाट, सूरज भान दलित, यानी दलित और जाट वोटर अगर हरियाणा में एक साथ मिल जाए तो बड़ा कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरी तरफ देखिए आप जो दूसरा गुट है, कुमारी सैलजा है, और इसके अलावा अगर बात करें उनके साथ किरण चौधरी है, यहां भी जाट और दलित का एक फैक्टर है, तो कुल मिलाकर हरियाणा में कांग्रेस धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रही थी भले ही गुटबाजी में, लेकिन बावजूद इसके तो ऐसे में बीजेपी को लगता था कि उसे भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन भी आ गया था, तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच समझ के पूरा ऑपरेशन किया है। जी जी जी, एक बार हम चलेंगे राजभवन चंडीगढ़ चलेंगे, और वहां पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है, असीम बस्सी क्या हो रहा है वहां पर बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए मैं आपको बता दूं, राजभवन में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के भी जो लोग अफसर, क्योंकि सीएम एक्सीएम हो गए हैं वो अंदर है, कैबिनेट अंदर थी, तो अब गवर्नमेंट की गाड़ियां भी आनी जानी शुरू हो गई, अफसरों की की गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि हमें जो बताया जा रहा था कि आज ही ओथ सेरेमनी होगी, जो भी नया चीफ मिनिस्टर होगा, जो भी नई कैबिनेट होगी उसकी चीफ मिनिस्टर उसकी जो ओथ सेरेमनी आज ही होगी, तो डेफिनेटली उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस के लोग अंदर जा रहे हैं, दूसरे लोग, ताकि अरेंजमेंट उसके लिए किए जा सके। लेकिन नेता कौन होगा सीएलपी का, स्कटर ही चोजन होंगे या क्वार्टरेटिव फेज होगा, वो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि बहुत बड़ी हलचल है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, और राजभवन में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर थे खट्टर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और ओथ सेरेमनी की तैयारी जो है वो होगी, क्योंकि आज ही ओथ सेरेमनी यहाँ पर हो जाएगी, ताकि किसी और को मौका ना दिया जा सके कांग्रेस को या किसी और को किसी तरह की और भी पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि नंबर इनके पास है, ये बहुत कंफर्टेबल हैं उसको लेकर, और ये रात को ही इन्होंने सील कर लिया था सारा, इंडिपेंडेंट्स को अपने कर साथ ले लिया था, जैसे हमने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सुबह सुना भी था एबीपी न्यूज़ पर बोलते हुए कि रिटर्न सपोर्ट जो है अश्योर कर दी थी कि बीजेपी की, कि हम उनके साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, सो डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो क्राइसिस में उन्होंने नहीं रखती, वो तो बन जाएगी, चेहरा कौन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या मनोहर लाल खट्टर निकल गए हैं राजभवन से या अभी अंदर ही हैं? नहीं नहीं, वो अभी अंदर ही हैं, मनोहर लाल खट्टर अभी अंदर ही हैं, दूसरे कुछ मिनिस्टर्स जो अंदर गए थे वो भी अंदर ही हैं, अभी बाहर कोई नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे विधायक दल की बैठक जो थी वो 11:30 बजे थी, लेकिन 11:20-25 पे ही मनोहर लाल खट्टर वहाँ से निकले, और सीधा ही, क्योंकि अराउंड 1 किलोमीटर का ड्राइव है, वहाँ से सीधा ही राजभवन आए। अभी भी मनोहर लाल खट्टर मेरे पीछे आप देखते हैं राजभवन जो है, ये तस्वीर है राजभवन की, अंदर ही हैं, हाई सिक्योरिटी यहाँ पर हरियाणा पुलिस की लग गई है, और ये बिल्कुल सुखना लेक के पास है ये हरियाणा भवन जो है, एडजेसेंट टू बिल्कुल पंजाब भवन, पंजाब राजभवन, सो ये यहाँ पे सिनेरियो है, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, और खट्टर अंदर ही मौजूद हैं अभी, कुछ टाइम शायद अभी लग जाएगा, लेकिन अभी यही स्टेटस है यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, कैबिनेट रिजाइन कर दिया है, और अब नई गवर्नमेंट का चेहरा क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, नंबर्स इनके लिए वरीसम नहीं है, नंबर इनके पास है। ये पता चल पाया है आपको असीम के नया क्लेम, नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन का क्लेम कब तक हो सकता है, चूंकि वहां पर अभी विधायक दल की बैठक चल रही है, यहां पर इस्तीफा हो चुका है? नहीं, मुझे लगता है कि नया क्लेम भी अभी दे देंगे वो, जैसे बार बार तो नहीं आएंगे, एक बार दोबारा स्वेरिंग इनके लिए आएंगे,
इनको नंबर देना होता है सीएलपी लीडर, तो वो बाद में एक फॉर्मेलिटी है, वो विद इन द पार्टी एक चीज़ होती है कि किसको हमने ओथ करानी है एज चीफ मिनिस्टर, किसको हमने ओथ करानी है एज मिनिस्टर्स। क्लेम थे, मुझे लगता है अभी ही रख देंगे वो कि ये देखो हमने इस्तीफा दे दिया है, ये हमारे 41 अपने एमएलए हैं, साथ हमारे पास इंडिपेंडेंट है, 46 मैजिकल फिगर है, तो हमारे पास ये नंबर गेम है। सो क्लेम वो दे देंगे, जैसे ही वो बोलेंगे गवर्नर उनको बोल देंगे कि आप ले आइए अपने जो भी सीएलपी होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं असीम के अभी इस वक्त ही वो क्लेम रख देंगे, ये महत्वपूर्ण अपडेट है। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हमारे दर्शकों को हमने अभी भी ताजा अपडेट दी, लगातार दे रहे, मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं। अब आपके पास आगे की बातों के बारे में क्या आपके सूत्र बता रहे हैं बीजेपी के? बिल्कुल, ये बात सही है जो असीम बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, अपने कैबिनेट की भी सभी सदस्यों का इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। माना यह जा रहा है कि इसी समय नई सरकार के गठन का भी प्रस्ताव दे दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन शपथ लेगा, लेकिन मेरी जानकारी में ये है कि नए मुख्यमंत्री के गठन का प्रस्ताव भी समर्थन, सभी विधायकों के समर्थन के साथ एक समर्थन पत्र दिया जाएगा राज्यपाल को, और वो अभी होगा कुछ देर में, अगले एक दो मिनट, चार मिनट, पाँच मिनट के अंदर हो जाएगा, तो नए मुख्यमंत्री का रास्ता भी साफ हो जाएगा, जो जानकारी आ रही है। जी राजेंद्र, आप कह रहे हैं कि दो कुछ ही मिनटों में ये रास्ता साफ हो जाएगा और ये जाके राज्यपाल को बता दिया जाएगा नए मुख्यमंत्री कौन है, कितने विधायक उनके समर्थन में है और कितने मंत्री आज शपथ लेंगे, मैं ठीक कह रहा हूं नीरज? बिल्कुल बिल्कुल, कितने अभी एक जानकारी और राजेंद्र यहां देना बहुत जरूरी है कि जो नई सरकार का गठन होगा उस सरकार में मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जो दोनों अलग अलग समाज से होंगे, यानी यदि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ एक पंजाबी समाज का उप मुख्यमंत्री होगा और एक जाट समाज का उप मुख्यमंत्री हो सकता है। ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है और ऐसी थ्योरी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप नीरज। जी राजेंद्र, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं हरियाणा में, एक पंजाबी समाज से और एक और किसी समाज से, जैसा कि नीरज बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, दो उप मुख्यमंत्री भी हरियाणा में शपथ ले सकते हैं आज मुख्यमंत्री के साथ। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं।